अब बताइए ज़रा एक बार, आवाज़ आ रही है? अब ठीक है। अभी ठीक है आवाज़? चलिए। मैं सारे नाम पढ़ रहा था, उस बीच आवाज़ आई नहीं तो मैं दोबारा उतना समय, अब तो आ रही है, अब क्लियर है। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर आपके एंड पे कहीं कुछ प्रॉब्लम। चलिए सफ़र को आज के हम शुरू करते हैं। ठीक, चलो। तो पहली बात जो आज आपसे करना चाहता हूँ, इस बीच हम कल क्लास संडे था, मैंने कहा तो था पर समय मैनेज नहीं हो पाया। तो एक चीज़ जो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बीच में मीटिंग हुई और उसके जो संदर्भ निकलते हैं, उसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि अपनी अध्ययन जो भी आपकी रणनीति है उसमें इस पर ज़रा गौर करिए कि नीति आयोग की इस बैठक में, ये सामान्य बैठक नहीं है, इस देश में इस वक्त जो भी केंद्र और राज्य संयुक्त तौर पर मिलकर जो काम करने का प्रयत्न हो रहा है उसकी जो एक तरह से दिशा जो निर्धारित की जा रही है उसमें नीति आयोग का बहुत बड़ा रोल है। ये रोल कहीं ना कहीं सरकार ने उसको दिया है और नीति आयोग जो कुछ रोल डिफाइन कर रहा है उसके बाद सरकार उस पर अलग अलग स्तरों पर अपना काम कर रही है, विचार कर रही है। लेकिन ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वाले लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इस आयोग में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी विशेषज्ञता है अपने अपने क्षेत्रों में, तो सरकार उसका भरपूर सम्मान कर रही है। और उस नीति आयोग ने अपनी इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक में साफ साफ कहा कि हमारे एजेंडे में 6 ही चीज़ें हैं और बेसिकली प्रधानमंत्री ने भी इस बात को एंडोर्स किया कि हम लोग बहुत फोकस्ड होकर अपना काम करें। तो ये 6 बातें ये आपके अध्ययन क्रम में जो अलग अलग सिलेबस के पार्ट्स के साथ जोड़कर मैं आपको ये चीज़ ज़रूर इंडिकेट करूँगा कि ये भी आपके लिए बहुत बड़े थीम्स होने चाहिए। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में इन्हीं पर केंद्रित प्रश्न लगातार जो दिख रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो क्या ये 6 बातें हैं, इनको पता होना चाहिए। एक, भारत को विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनाना, तो आप आत्मनिर्भर भारत से लेकर PLI स्कीम से लेकर जितनी चीज़ें आ रही हैं सब इसी पर केंद्रित है। तो एक थीम हो है हमारे सामने, कैसे भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के तौर पर इस्टेब्लिश किया जाए। इसी तरह दूसरा थीम है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर। कृषि पर तो जो भी सरकार आई सब सरकारों ने अपने स्तर पर काम करना चाहा है, उसी में एक नया आयाम अब जोड़ा जा रहा है कि हम लोग एग्रीकल्चर को थोड़ा सा री इमेजिन कर सकें। जो फार्म लॉज आए थे इसमें इसी बिंदु पर थोड़ा काम करने का प्रयत्न था कि एक खाली राइस व्हीट प्रोड्यूसर, एक एग्रीकल्चरल एक इकोनॉमी को हम लोग ना सोचें, हम इसको डाइवर्सिफाई भी करें, हम एग्रो इकोनॉमी में, कृषि अर्थव्यवस्था में नए नए और क्षेत्रों को, खासतौर से प्रसंस्करण से जुड़े क्षेत्रों को किस प्रकार हम मजबूत कर सकते हैं। हम क्या कोल्ड स्टोरेज प्रणाली और सब चीज़ें जो रूरल जो हिंटरलैंड है वहाँ पर जो नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी एग्रीकल्चर में कुछ री इमेजिनेशन डाला जाएगा, एक नए तरीके से इमेजिन करना, उसको सोचना, तो उन विषयों को ज़रूर प्राथमिकता देनी चाहिए। नीति आयोग एक इस बिंदु पर भी बहुत हद तक फोकस है। तीसरी बात, इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक आधारभूत संरचना का विकास, ये भी एक ऐसा बिंदु है, इसमें क्या बात करनी, हर सरकार का प्रयत्न रहा है। लेकिन हमको इस चीज़ पर भी लगातार इतने सारे कार्यक्रम, नीतियाँ, प्रस्ताव, तो ये भी एक बात है। चौथी बात, मानव संसाधन विकास जो है इसको कैसे हम त्वरित गति से कैसे इसको एक्सेलरेट करें, ये एक तरह से आपको एक महत्वपूर्ण चौथा बिंदु इस नीति आयोग की एजेंडे में, पिलर्स में दिखेगा। स्किल इंडिया से लेकर जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना, एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबको आप इसी से जोड़कर देख सकते हैं। पांचवी बात, तृणमूल स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर अगर हम सर्विस डिलीवरी को, जो अलग अलग सर्विसेज कहते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ओवरऑल सर्विस डिलीवरी नीचे के लेवल पर, ग्रास रूट पर, इसमें हमने कल परसों भी आर्टिकल परसों किया था, अर्बन लोकल बॉडीज़ और अर्बन रूरल बॉडीज़, उनको हम अगर सशक्त करते हैं तो हम अंतिम जो अंत्योदय की बात है, जो अंतिम व्यक्ति जो कतार में है, वहाँ तक अगर हम सेवाओं को पहुँचा पाएँ, सरकार के कार्यक्रमों को पहुँचा पाएँ, तो इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये बात है। और छठा सबसे प्रासंगिक इस समय का मुद्दा, स्वास्थ्य और पोषण, इस पर केंद्रित भी बहुत सारे कार्यक्रम नीति आयोग ने भी प्रस्तावित किए हैं। इतने सारे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं लगातार समाचार पत्र विश्लेषण के क्रम में। तो ये 6 आपके सिलेबस के बहुत इम्पॉर्टेंट थीम्स होने चाहिए, इनको खूब पल्लवित पोषित करते रहिए, क्योंकि पेपर में आपको घुमा फिरा कर इन्हीं मुद्दों पर प्रश्न दिखेंगे, इस बात को मेरी याद रखिएगा। दूसरी, हम अभी जो बात कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही हम पढ़ रहे हैं, यही पढ़ाया जा रहा है। एक आर्टिकल हिंदू में कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग के विषय पर आया। लैंड टाइटल्स मतलब जो एक तरह से भूमि स्वामित्व संबंधी, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप को एस्टैब्लिश करना, स्वामित्व को एस्टैब्लिश करना। तो देश में देखिए सुधारों की जो एक श्रृंखला 91 से शुरू हुई, उस श्रृंखला में हमेशा एक आरोप, एक बीच में आक्षेप ये रहा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां सुधार किसी न किसी वजह से या तो प्रारंभ नहीं हुआ, प्रारंभ हुआ तो एक स्तर के बाद रुक गया, या आप देखेंगे कि उसको आगे बढ़ाने में बहुत सारी अड़चनें आती रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक लेबर रिफॉर्म की होती थी कि लेबर रिफॉर्म्स नहीं हो पाए, और दूसरा लैंड रिफॉर्म्स की होती थी। फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स एक स्तर तक एक अलग श्रेणी थी सुधारों की जिस पर काम नहीं हुआ, लेकिन उसको 2014 से प्रारंभ कर दिया गया था और अभी उसमें काफ़ी आगे तक हम पहुंच गए हैं। अब अगर लैंड रिफॉर्म की हम बात करते हैं तो लैंड रिफॉर्म में ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हम अपने यहाँ जो भूमि स्वामित्व की जो प्रक्रिया है, उसके निर्धारण की प्रक्रिया है, उसमें बहुत जटिलताएं देखते हैं। अभी क्या सिस्टम है, है ना, अभी वर्तमान में टाइटल को लेकर क्या सिस्टम है। ये जो नया विचार नीति आयोग दे रहा है कंक्लूसिव लैंड टाइटल का, इसमें क्या होगा। जो मॉडल बिल नीति आयोग ने बनाया, जो राज्यों को भेजा गया, उसमें क्या प्रस्ताव हैं और ये प्रक्रिया कैसे होगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अंत में लेख उस बात पर केंद्रित है कि अगर ये करने की दिशा में हम आगे बढ़े भी तो हमें चुनौतियां क्या आएंगी, हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक एक करके हम सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते। थोड़ा सा गंभीर विषय है, उसी गंभीरता के साथ इसको देखिए। तो केंद्र ने अब नीति आयोग के माध्यम से उस प्रयत्न को शुरू किया है कि इस देश में जो लैंड मार्केट्स हैं उनको भी बुनियादी कानूनी और प्रक्रियागत उनमें बदलाव आना चाहिए। जिस तरह से लैंड टाइटल्स को प्रदान किया जाता है उस प्रक्रिया को बदला जाना भी ज़रूरी है। हमने 2020 में हमने कृषि सुधारों के लिए और श्रम सुधारों के लिए कुछ कानून सरकार की तरफ से बनते देखे, फिर उन कानूनों पर विरोध की स्वरों को भी देखा, काफ़ी विवाद कुछ उस विषय पर भी उठाए गए। और इस पूरी आपाधापी के बीच नीति आयोग अपने स्तर पर प्रयत्न शुरू करता है कि कैसे भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स इस देश में आगे बढ़ाए जाएं। और वो एक बनाता है मॉडल बिल कंक्लूसिव लैंड टाइटल को लेकर। ये उनका प्रस्ताव है कि कंक्लूसिव लैंड टाइटल को हम राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ये बिल भेजा गया। मॉडल बिल वाली प्रक्रिया नीति आयोग ने ही इसको बहुत मुखर किया। वो एक प्रस्ताव मॉडल बना देते हैं जिसमें सारी वो ज़रूरी बातें होती हैं जो अगर इम्प्लीमेंट करी जाएं तो देश का भला होगा। सारे राज्यों को वो भेजा जाता है। ये लैंड एक्विजिशन में भी हमने देखा इस तरह का प्रयत्न था, और राज्य उसमें अपनी सुविधा से अपनी कुछ स्थानीय उनकी ज़रूरतें हों या इस मॉडल बिल में उनको कुछ चीज़ लग रहा हो कि ये ठीक नहीं है हमारे हिसाब से, तो वो अपनी आपत्ति भेज सकते हैं और उनके हिसाब से नीति आयोग उनको मॉडल कुछ नया विकल्प दे सकता है या वो अपने कानून में उन परिवर्तित चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं। तो ये ओवरऑल काफ़ी समय इस बात को जब हो गया और कई राज्यों ने इस विषय पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं भेजी, तो केंद्र के माध्यम से नीति आयोग ने उनको थोड़ा सा कठोर भाषा में भी इस बात को उनको समझवाया कि भाई अगर आप इस पर कुछ नहीं करोगे, चुप्पी मार कर बैठे रहोगे और सोचोगे कि ये पॉकेट वीटो जैसा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। हम मान लेंगे आपकी चुप्पी, आपकी रजामंदी मान ली जाएगी। अब उसके बाद से थोड़ा स्टेट्स में कौतूहल बढ़ रहा है। ये गलत बात है। ओवरऑल कोई प्रस्ताव आ रहा है उस पर अगर आपको विरोध भी करना है तो विरोध भी भेजिए, लेकिन यथास्थितिवाद देश में कोई बहुत सकारात्मक चीज़ तो नहीं मानी जा सकती। इस आधार को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब वर्तमान व्यवस्था कैसे चलती है इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं और नई व्यवस्था में क्या बदलाव होगा उसको समझते हैं। भारत में अभी जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग। प्रिजम्प्ट कर लिया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। क्या प्रिज्यूम किया जाता है? यहाँ बेसिकली जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भूमि के दस्तावेज हैं, उसमें माना जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं पुराने, जैसे एक ज़मीन थी, किसी ने किसी को बेची, फिर उसने किसी को बेची, या एक ज़मीन थी, तीन भाई थे, जब ज़मीन का बंटवारा हुआ तो तीनों को कुछ कुछ ज़मीन अलग हो गई। इस तरह जो ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं, ठीक है, उन ट्रांजैक्शंस के आधार पर इन्फॉर्मेशन ऑन पोजेशन, किसके पोजेशन में वो जो ये ट्रांजैक्शंस होते रहे, इसमें किसके पोजेशन में वो ज़मीन है, इसके आधार पर एक प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग का एक विकल्प हमको दिखा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ओनरशिप एस्टैब्लिश कैसे होती है? करेंट पोजेशन के हिसाब से, किसके स्वामित्व में है। पर इसमें बड़ा पेंच है। जैसे आप अपने अपने घरों में ही अगर देखिएगा तो आपकी जो कृषि भूमि होगी, कहीं अगर आपका कुछ कृषक पृष्ठभूमि है तो उसमें हो सकता है कि आपके दादाजी के नाम हो या उनके पिताजी के नाम हो, और उसके बाद परिवार अपना एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से अपना अपना बंटवारा करके सब अपना अपना खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन टाइटल चेंज नहीं होता। मतलब दस्तावेजों में अभी भी परदादा जी का जिक्र है जो मर चुके हैं, जो अब नहीं है, मान लीजिए। इससे फिर बाद में विवाद खड़े होते हैं, इससे समस्याएं खड़ी होती हैं। तो जो स्वामित्व, करेंट पोजेशन को ओनरशिप मानने की जो करेंट सिस्टम है प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग का, इसको अभी हम देखते हैं। अब इसमें एक प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की भी है, ठीक है। अगर रजिस्ट्री वगैरह जो होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड जो है वो भी एक्चुअली ट्रांजैक्शंस को रजिस्टर किया जाता है कि सेल डीड हुई या रिकॉर्ड्स ऑफ इनहेरिटेंस है या मॉर्टगेज या लीज के लिए कोई भूमि है, इन सब में भी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके थ्रू ओनरशिप को देखा जाता है। पर ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन पेपर्स का होना, किसी के पास रजिस्ट्रेशन के पेपर हैं, ये एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सरकार या लीगल फ्रेमवर्क कोई गारंटी इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि टाइटल लैंड का जो है सर्टेन नहीं है, है ना। तो इसीलिए आप विवाद जो भी होते हैं कि किसी ने किसी को ज़मीन बेच दी और उसके बाद पता चला वो ज़मीन उसकी थी नहीं, उसने रजिस्ट्री के पेपर के थ्रू उसको बेच दी, लेकिन टाइटल जो है वो सर्टेन नहीं था, फिर उस पर किसी और ने क्लेम कर लिया कि भाई ये तो मेरी ज़मीन थी और ये मेरे भाई हैं, जो भी है। इससे बहुत सारा गड़बड़ झाला होता है और आप आगे अभी आंकड़ा देखेंगे कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है ना। तो प्रेजम्पटिव लैंड टाइटल की प्रक्रिया ने बहुत सारे भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद खड़े किए। इससे आर्थिक विकास के कई कार्यक्रमों को बाधा पहुंचती है इन विवादों से। इसीलिए कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग व्यवस्था इसको भूमि सुधारों के अंतर्गत लागू करने की एक आवश्यकता। अब इससे जो अवैध तौर पर लोगों ने जो भूमि हदबंदी वगैरह की गई थी, आप हर प्रयत्न में देखेंगे कि कुछ गलत प्रवृत्तियों को टारगेट तो करती है सरकार, तो वो चीज़ें भी इससे दूर हो सकती है। इसीलिए इसका भी विरोध होगा, इसमें कोई शक नहीं है। या जो लोग अभी यथा स्थिति से लाभ, जिनको गलत लाभ जो गैर कानूनी है, वो लोग हमेशा ऐसी प्रक्रिया का विरोध करेंगे। तो कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम में बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स को एक्चुअल ओनरशिप के तौर पर डेजिग्नेट किया जाएगा। ठीक है, एक्चुअल ओनरशिप। अभी जो लोग ओनर हैं तो उनको नाम पर टाइटल हो और क्लियर कट हो, उसमें कोई भी दुविधा ना हो। टाइटल कौन देगा? गवर्नमेंट देगी ऑब्वियसली, और गवर्नमेंट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी कि हम आपको एक्यूरेसी के साथ बता रहे हैं कि टाइटल यही है, ज़मीन इसी की है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक बार अगर टाइटल मिल गया, किसी लैंड की ओनरशिप का टाइटल किसी को मिल गया, और मान लीजिए कल को कोई और उसका दावेदार आ गया, उसने डिस्प्यूट खड़ा करना चाहा, तो डिस्प्यूट जानते हैं वो जिसको टाइटल मिला है उसके साथ नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर टाइटल मुझे दे दिया गवर्नमेंट ने, कोई आदमी आया, उसने क्लेम करा कि नहीं जो टाइटल आपने इनको दिया ये असल में मेरी लैंड है, तो वो मेरे से लड़ नहीं सकता, जो सारे मामले कोर्ट कचहरी में मेरे और उसके बीच चलते। अदरवाइज उसमें उसका विवाद होगा सरकार के साथ, क्योंकि सरकार ने मुझे एश्योर किया है, सरकार ने मेरे लैंड टाइटल को क्लियर किया है। आप सरकार के साथ लड़ो। ऐसे भी मसले हो सकते हैं जहां हो सकता है दोनों दावेदारी ठीक हो और सरकार की ओर से कोई गलती हो। जैसे प्लॉट वगैरह में रजिस्ट्री में आपने कई बार देखा होगा कि उतनी ज़मीन थी ही नहीं और दो लोगों को वो प्लॉट में मिल गई, उतनी ज़मीन ही नहीं है। तो भाई दोनों व्यक्तियों की गलती नहीं है, टाइटल दोनों के पास है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने उसको सही से मेजर नहीं किया। ऐसे केसेस बहुत होते हैं, लाखों की संख्या में हैं कोर्टों में। तो इस प्रक्रिया में वो दो आदमी नहीं लड़ेंगे, जिसके पास टाइटल है वो उसकी अपनी होल्डिंग है, दूसरा व्यक्ति जिसका क्लेम सही है उसको सरकार कॉम्पनसेट करेगी क्योंकि वही गारंटर है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव भूमि सुधारों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इससे बहुत क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं, अभी हम इसको देखते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग, इसको समझने का प्रयत्न करें। प्रमुख लाभ इसमें यह है कि बहुत बड़ी संख्या में जो कानून में, जो कोर्टों में विवाद होते हैं भूमि संबंधी, उनको हम इससे ख़त्म कर सकते हैं। ये रातों रात नहीं होगा। इसमें सरकार ही अभी कह रही है कि कानून बनने के बाद 3 साल कम से कम सारा लैंड रिकॉर्ड सेटल करने में लगेगा। तो एक पूरी प्रक्रिया है, पर शायद हम 6, 7, 8 साल बाद अगर ये सब कानून बन जाते हैं तो उसके बाद हम भूमि विवादों का जो परिदृश्य है उसको बहुत बहुत कमज़ोर होता देखेंगे। ठीक है, कि ओवरऑल इस तरह से हम चीज़ों को समझें। देखिए 2007 में वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, लैंड पॉलिसी फॉर ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इसमें यह कहा गया कि भूमि संबंधी विवाद भारत के जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं उसमें 2/3 विवाद ऐसे भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद, 2/3 विवाद। आप सोचिए और इनका क्या भारत के लिए संकट है, इतने सारे मामले जो न्यायालयों में लंबित हैं उससे न्याय कैसे प्रभावित हो रहा है वो भी आपके समक्ष है। इसी को इस प्रक्रिया से टारगेट करने की कोशिश है। नीति आयोग का एक और आकलन है अपनी किसी स्टडी में कि ऐसे जो लैंड या रियल एस्टेट संबंधी जो विवाद होते हैं औसतन इनको 20 साल भारत के न्यायालयों में लगते हैं हल होने में। सामान्यतः तो पीढ़ी वो जो विवाद जहां शुरू होता है उसकी अगली पीढ़ी को ही उसका फैसला सुनने को मिलता है। तो इतनी बड़ी संख्या में केसेस हैं, 2/3 20 साल औसतन लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को चेंज करना है तो हमें कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग की ओर बढ़ना पड़ेगा। ये पूरा इसका एक महत्व और बाकी चीजें आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी जैसे जो प्रेजम्पटिव लैंड टाइटलिंग है हमने उसमें देखा कि जो ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं, मान लीजिए एक ज़मीन 7 बार बिकी तो 7 ट्रांजैक्शंस हुए सेल्स डीड के, ठीक है, या लीज के या जो भी था। अब उस 7 में अल्टीमेटली आज कोई स्वामी है, उसका ओनर है। अगर टाइटल में कोई भी उस 7 चरण में कहीं पर भी कोई विवाद आया तो आप समझ लीजिए कि वो कितना मतलब संभावना है विवाद आने की। आपको उस स्तर पे जाके उस विवाद को लड़ना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा। अब यही जो लॉन्ग चेन ट्रांजैक्शंस की है, रिकॉर्ड्स की, ये डिस्प्यूट्स को बड़ा करती है। और एक बार अगर ये कंक्लूसिव टाइटलिंग हमने किसी तरह हल कर दी तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि दुविधा खत्म हो जाएगी। अब इसको, इसके पर्पस को समझिए। कुछ लोग, मैं देख रहा था उसमें कमलेश शायद लिख रहा था कि लाभ, सरकार को क्या लाभ है। सरकार का लाभ हमारे आपके लाभ से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अगर न्यायालयों में मामले कम होंगे तो सिर्फ हमारे आपके लिए लाभप्रद नहीं है ना, राज्य का भी तो कितना उसमें आधारभूत संरचना सब कुछ लगती है कि हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो पाती। ये सब छोटे छोटे इश्यूज जो हैं, कुछ आधा एक 20वां ज़मीन के लिए 20-20 साल लोग लड़ रहे हैं, वो सब चीज़ें कम होती हैं। सब उससे बड़ी बात, अभी आपने ये कृषि संबंधी इतने कानून देखे, उन कानूनों में ग्रामीण स्तर पर जो आधारभूत संरचना या कृषि प्रसंस्करण के लिए, एग्रो प्रोसेसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए आपको लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। और ये सब ज़मीन अगर मान लीजिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी लोग हैं, वो आएंगे तो वो इन्वेस्ट तभी करेंगे ना जब उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि वो ऐसी स्थितियों में भविष्य में ना उलझें। उनको कहीं लैंड टाइटल और ये सब चीज़ें, वो गए हैं वहाँ धंधा करने, वो ऐसा ना हो कोर्ट कचहरी में उलझ के उनका पूरा जो एनर्जी है उसमें खर्च हो जाए। बचना चाहता है व्यापारी इन सब चीज़ों से, ठीक है। और आम लोगों के लिए तो जो है सो वो है ही, वो तो हमने बात करी ही है। मैं आपको एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम कैसे प्रभावित होता है उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये निश्चितता जब सरकार देगी, हम टाइटल की गारंटी ले रहे हैं, तो वो उद्यमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाकर काम कर सकता है, वो लैंड बाय कर सकता है, वो वहाँ पर अपना जो भी बेसिस उसको डेवलप करना है उसको कर सकता है। देश में एक एक्टिव लैंड मार्केट रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़ा बून है, जो कि पूरा डिप्रेस सेक्टर है। लार्जेस्ट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर रियल एस्टेट। बहुत हद तक यही जो लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह हैं इसका भी एक प्रभाव है उस सेक्टर के डूबने में। उन चीज़ों को आप डेवलप कर सकते। अगला एक लाभ समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आधारभूत संरचना विकास के लिए जो बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, आप कितने पुल वुल देखते होंगे, सब कहीं कहीं थमे पड़े रहते हैं सालों तक। रीज़न वही है कि उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट आ गया टाइटल का बीच में और वो पूरा वो कोर्ट चला गया, कोर्ट स्टे कर देता है। चाहे आप पुल पूरा रुक जाए, लेकिन अगर एक आदमी की बात सही है तो ओवरऑल वो उसको कोशिश करते हैं कि वो उसको रोक दें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो हर्डल्स आती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इसी तरह जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें बहुत डिले होते हैं, उससे कॉस्ट बढ़ती है, इन सब चीज़ों को इससे टारगेट किया जा सकता है। इससे सबसे ज़रूरी बात शायद कृषि क्षेत्र में, इसका सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र में किसानों को, हमने एक स्वामित्व करके एक कार्यक्रम आया, हमने पहले उसको करा भी था और इसको सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह से सरकार जो गांव में, जो देहात में जो किसान हैं, उनकी जो भूमि के उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली उनको उसका टाइटल दिया जा रहा है। तो आप ये सोचिए इसका लाभ। एक बार अगर आप ये समझें कि उसका टाइटल क्लियर हो गया, वो पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड है कि हाँ ये इसकी ज़मीन है, इसमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट, क्योंकि अगर किसान को क्रेडिट चाहिए तो बैंक कोलेट्रल के तौर पर उसके पास सबसे बड़ा विकल्प ज़मीन है। ज़मीन को एक तरह से एक गारंटी के तौर पर वो अपने बैंक के सामने रख सकता है, लेकिन जब तक टाइटल क्लियर ना हो तब तक बैंक्स भी उसको एक ऑथेंटिक कोलेट्रल नहीं मानते थे। अब ये अगर पूरा प्रक्रिया होती है तो किसान औपचारिक स्रोतों से अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऋण ले सकता है। जब ये औपचारिक स्रोत उसको नहीं अवेलेबल होता तो वो जाता है अनौपचारिक क्षेत्र में, साहूकार वगैरह या जो बहुत रूरल लेवल पर कई NBFCs हैं, बहुत ही शोषण परक उनका तरीका है ऋण देने का, उनके चंगुल में एक बार जब फंस जाता है तो उसके बाद फिर उसके लिए मुश्किल होता है। 2-3 साल अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हमने देखा है कि विदर्भ वगैरह में, तेलंगाना में बहुत बड़ा कारण ये भी किसानों की आत्महत्या के पीछे दिखा। उन सब प्रवृत्तियों पर भी हम इस कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग प्रक्रिया से प्रहार कर सकते हैं। अब एक बात इसमें कि ये मॉडल बिल जो नीति आयोग ने बनाया और राज्यों को भेजा, ये प्रक्रिया काम कैसे करेगी, प्रस्ताव क्या है, कैसे ये कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग होगी, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। तो क्या, क्यों, कैसे, है ना, क्या लाभ है, सारे एस्पेक्ट्स आपको दिखेंगे। देखिए जो बिल अभी सर्कुलेट हुआ है राज्यों को, उसमें प्रस्ताव है लैंड अथॉरिटीज बनाई जाएंगी, भूमि प्राधिकरणों का पहले गठन होगा, ये हर राज्य सरकार अपने स्तर पर करेगी। और ये जो लैंड अथॉरिटीज होंगी ये एक TRO का मतलब है टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, तो कुछ नौकरियां भी निश्चित तौर पर इससे बढ़ेंगी राज्य PCS में, ऐसा मेरा भरोसा है। टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, आप लोग अपने लाभ की चीज़ ही समझते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर TRO नियुक्त होंगे, जो क्या काम करेंगे, वो प्रिपेयर करेंगे और फिर पब्लिश करेंगे एक ड्राफ्ट लिस्ट, ड्राफ्ट ही होगा क्योंकि अंतिम तो ये निर्धारित कर नहीं सकते। सब अपने अपने भूमि के दस्तावेज जो उपलब्ध करवाएंगे उसके आधार पर ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सब ये TRO जो है ये एक ड्राफ्ट लिस्ट, अलग अलग जो भूमि के स्वामित्व हैं, टाइटल्स हैं उसको, और इसमें जो वर्तमान रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका उपयोग किया जाएगा। ये ड्राफ्ट लिस्ट बनने के बाद एक वैलिड नोटिस, सारे जो क्लेमेंट्स और हैं जिनका क्लेम है कि भाई ये मेरी नहीं मेरी है, ठीक है, जो लिस्ट में टाइटल हैं और उसको जो चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरा क्लेम है, उन सबको जांच की जाएगी। ठीक है, वो लोग अपना एक नोटिस देंगे, एक समय उनको दिया जाएगा और इन क्लेम्स को, ऑब्जेक्शंस को एक सेट टाइम पीरियड में उसको एनालाइज करके जो भी TRO को लगता है कागज पत्तर के हिसाब से वो अपना एक आकलन करके आगे चीज़ को बढ़ा देगा। अगर डिस्प्यूटिंग क्लेम्स आते हैं TRO के पास, वो उनको वेरीफाई करेगा सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ और फिर उस केस को रेफर कर देगा अगले लेवल पर, जिसका नाम है LDRO, लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर। लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर LDRO को वो डिस्प्यूटेड क्लेम्स को आगे बढ़ा देगा, वो रिजॉल्व करे। तो TRO ने ड्राफ्ट लिस्ट बनाई, क्लेम आया तो चला गया LDRO के पास। लेकिन इस प्रक्रिया में जो कोर्ट में पहले से विवाद चल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पहले से ही मुकदमे चल रहे हैं जमीन के विवाद को लेकर, उन पर एलडीआरओ या टीआरओ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय उस पर फैसला देगा। ठीक है, लेकिन नए विवादों को रोकने के लिए ये प्रक्रिया। अब जो पुराने न्यायालय में मामले हैं उनको आप पृथक तौर पर उसको निपटा सकते हैं, फास्ट ट्रैक, आप स्पेशल जैसे लोक अदालतें वगैरह लगती हैं, प्राय छोटे ही विषय होते हैं। अगर उसको डेडिकेटेड एक सोच हो कि हमको खत्म करना है, आप तहसील स्तर पर, आप जिला स्तर पर ऐसी लोक अदालतों के माध्यम से फास्ट ट्रैक करके उसको जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं, और नए विवाद रोकने के लिए ये प्रक्रिया तब तक काम करने लगेगी। क्लियर है यहाँ तक? एलडीआरओ तक की बात हो गई। अब सारे जो रिजॉल्व, जो डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं, सबको देखने के बाद लैंड अथॉरिटी पब्लिश करेगी रिकॉर्ड ऑफ टाइटल। वहाँ ड्राफ्ट था, अब आ गया रिकॉर्ड ऑफ टाइटल, पूरा इसको ऑनलाइन पूरा उपलब्ध कराया जाएगा। 3 साल की अवधि में ये टाइटल्स और जो भी डिसीजंस हैं टीआरओ के, टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के और एलडीआरओ के, अगर आप इससे असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि आपके पक्ष में गलत काम हो गया, आपका स्वामित्व है, टाइटल है, किसी और को दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आपको अपील का अधिकार नहीं है। फिर एक होगा लैंड टाइटलिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल। लैंड टाइटलिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें आप जाकर अपनी फरियाद कर सकते हैं, और जो कानून इसका बनेगा, मॉडल है ना, मॉडल बिल है अभी, उसके बाद कानून जब बनेगा तो उसमें इस ट्रिब्यूनल के गठन की भी बात होगी। ये भी एक अपने में बड़ा सुधार है, क्योंकि लैंड टाइटल्स के लिए अलग से अगर अपीलीय प्राधिकरण बनते हैं तो चीज़ों को बहुत स्पीड अप करके, जैसे कभी कैट और सैट बने थे, आप उसी प्रक्रिया में इसको देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत प्रगतिशील, बहुत एक मॉडर्न एक वो है। 3 साल की अवधि के बाद जो रिकॉर्ड ऑफ टाइटल्स हैं इनको मान लिया जाएगा कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है ओनरशिप के, इसीलिए इसको नाम दिया गया कंक्लूसिव टाइटलिंग। ठीक है, अब पूरी प्रक्रिया हो गई है, विवाद जो थे सब हल हो गए, निश्चित हो गई। इसके बाद जो टाइटल अब सरकार जिसको दे रही है वो कंक्लूसिव है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसको अब अगर चैलेंज करना है तो अब आप उस टाइटल होल्डर से नहीं, अब गवर्नमेंट के साथ आपको लड़ना होगा। ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी, अब ट्रिब्यूनल से भी आप असंतुष्ट हैं तो भारत में चूंकि आप जानते हैं कि न्यायपालिका एकीकृत है, तो आपके पास हाई कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला है, हाई कोर्ट में लड़िए। हाई कोर्ट भी अगर आपके साथ न्याय ना करे आपकी नज़र में तो सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं, लेकिन ये सब रास्ते सिर्फ कहने को होंगे, क्योंकि जब आपने इतना स्ट्रांग पूरा एक सिस्टम बना दिया, क्योंकि कई लोग आप में से सोच रहे होंगे कि अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट पहुंच ही गया मामला तो इतनी कवायद करने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत मैं समझा रहा हूँ, ज़रूरत ये है कि हाई कोर्ट अभी ऐसे मामले इसलिए ले लेता है क्योंकि उसको पता है कि इस इशू पर बड़ी लचर पचर व्यवस्था है। नीचे के कोर्ट्स जो हैं, है ना, वहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, लैंड रिकॉर्ड्स की जो हालत है देश में, ठीक है, वो उन चीज़ों को जानते हुए उसको लेना पड़ता है कि अन्याय ना हो जाए। पर जब आप इतनी तर्कसंगत और इतनी एक प्रामाणिक और इतनी विशेषज्ञतापूर्ण एक व्यवस्था को बना लेंगे तो उसके बाद हाईकोर्ट सामान्यतः ये मामले लेगा नहीं अपने संज्ञान में, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ें बहुत परिष्कृत होकर उस तक पहुंची, और लेगा भी तो उसके पास डेटा होगा सारा, क्योंकि ये सारा लैंड रिकॉर्ड अब बहुत स्थापित प्रक्रिया में बनेगा, तो त्वरित तौर पर उस पर फैसला हो सकता है ना। अभी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए 5-5 साल पता चला कागज़ ही नहीं आता कोर्ट में, तारीखें पड़ती जाती हैं। तो बहुत तर्कसंगत पूरा रास्ता नीति आयोग ने बताया है, और अगर इस पर हम चल पाए आगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा सुधार माना जाएगा। अंत में इस पूरी प्रक्रिया में चुनौतियां क्या आएंगी? चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है, अगर हम ग्रामीण और थोड़ा सा अर्ध शहरी क्षेत्रों की बात करें तो लैंड रिकॉर्ड जो भू अभिलेख हैं, इनका बहुत ही कमज़ोर इनका रख रखाव, और बहुत बाबा आदम के ज़माने में इनका कंप्यूटराइजेशन वगैरह भी काफ़ी, कंप्यूटराइजेशन है भी तो भी उसमें डेटा इतना इनकम्प्लीट है कि कहीं वो दीमक लगी फाइलों से ही चीज़ें निकलती हैं। तो जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं तेज़ी से बदलते, है ना, टाइटल्स लोगों ने चेंज ही नहीं कराए, है ना, फाइलों में वही टाइटल्स हैं जो 4 पीढ़ी पहले के। तो इन सबको थोड़ा हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। अगर ये सब चीज़ें दुरुस्त होती हैं तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी और तभी हम इस लाभों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ग्रामीण स्तर पर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कराए जाए, जो भी ये अधिकारी होते हैं, तहसीलदार वगैरह, स्पेशल कैंप्स हों गांव-गांव इसको करके, और गांव में भी सामाजिक एक वो हो, इसमें एनजीओस को, लोकल गवर्नमेंट्स को, सबको इन्वॉल्व करके ये पूरी प्रक्रिया तभी हो सकती है जब एक कंबाइंड एफर्ट इसके लिए लगे, और तब हम इस चीज़ को सुधरता देखेंगे। है बहुत बड़ा सुधार, इसको अगर किया जाए तो आपको लाभ निश्चित तौर पर दिखेगा। तो ये पूरा विषय था, एक बड़ा विषय मेरी राय में, इसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से जो सवाल आए थे उन सवालों को हमने इसमें देखा है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कल्पना आपका और जो भी दूसरा विषय था उसको हमने ओवरऑल इसमें टारगेट कर लिया है। ये एक हिंदू में आज विषय है और संसदीय व्यवस्था को लेकर राज्य व्यवस्था में जो कुछ विपथगमन के आरोप लग रहे हैं उसका एक अच्छा सर्वेक्षण है। 2-3 विषय इसमें एक्चुअली मिले हुए हैं। एक विषय है कर्नाटक के संदर्भ को उन्होंने लिया है कि कर्नाटक में एक कानून को पारित करने की प्रक्रिया में लगभग वही चीज़ दोहरा दी गई जो कृषि कानूनों को भारत की संसद में पारित करते वक्त किया गया था। तो मतदान की जो प्रक्रिया है, विधेयकों पर मतदान की प्रक्रिया, उसमें 2 रास्ते प्रमुखता हमको दिखते हैं। एक वॉइस वोट होता है, दूसरा जिसको अब डिवीजन कहते हैं। तो कैसे इसका दुरुपयोग सरकारें कुछ कर रही हैं या कर सकती हैं, दोनों एस्पेक्ट को इसमें देखते हैं। फिर चूंकि पीठासीन अधिकारियों की तरफ से कुछ संभावित गलतियां हैं, तो दूसरा प्रसंग लेखक इसमें ले आते हैं कि धन विधेयक का केंद्र में संसद के स्तर पर किस प्रकार थोड़ा सा दुरुपयोग देखा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर भी इनकी टिप्पणी है। राज्यसभा ऊपरी सदन, इसी को बाईपास करने की विधायन की प्रक्रिया में कोशिश हो रही है। तो राज्यसभा की थोड़ा भूमिका की भी पड़ताल इसमें की गई है और कुछ बड़े अच्छे जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह के स्टेटमेंट्स के बेसिस पर बाई कैमरलिज्म की, 2 सदनीय विधानमंडल की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, क्या ये ज़रूर, इसमें अंदर 4-5 सवाल एक्चुअली छुपे हुए और इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या इसमें संदर्भ। तो अभी मसला कर्नाटक से शुरू होता है। कर्नाटक में कानून प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल, है ना, वही सब, है ना, ये सारे विषय विवादित रहते ही हैं। खैर, ये प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल, ये कर्नाटक की विधान परिषद ने इसको 8 फरवरी को जो पारित किया, तो उसमें कर्नाटक में 2 सदनीय विधानमंडल है। तो विधानसभा ने पहले ही पारित कर दिया था, उसमें कोई विवाद बना नहीं क्योंकि विधानसभा है तो उसमें सरकार का बहुमत है, तभी वो सरकार में है क्योंकि उनका बहुमत है। तो वहाँ बिल पारित होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको पॉलिटिकली कुछ उसमें करने लायक नहीं था। लेकिन विधान परिषद में कांग्रेस और जेडीएस, जनता दल सेक्युलर, ये बहुमत में हैं अभी भी। उनके बहुमत के बावजूद जो ये कानून पारित हो गया, जो ये विधेयक कानून बन गया, इस पर एक व्यापक विरोध इसका हो रहा है। और इसमें आरोप है पीठासीन अधिकारी के ऊपर कि प्रक्रिया को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने अपने विवेक से डिवीजन वोट की मांग को खारिज कर दिया। और वो इस वोट के आधार पर ये कह दिया कि इस सदन से भी ये कानून पारित होता है। फार्म बिल को भी राज्यसभा में इसी तरह वॉइस वोट से पारित किया गया था। हालांकि फार्म मतलब राज्यसभा में इस वक्त सरकार के पास बहुमत है, उनके जो कुछ सहयोगी हैं उनके आधार पर, लेकिन जब ये पारित हुआ था उस समय उनके कुछ सहयोगी जैसे शिरोमणि अकाली दल ये पक्ष में नहीं थे कानून के, तो एक संभावना थी कि शायद बहुमत उनके पास ना हो। लेकिन राज्यसभा में उपसभापति उस वक्त पीठासीन थे, उन्होंने कहा, बड़ी हरिवंश जी की बहुत इसमें आलोचना भी हुई थी, बड़े सभ्य और बड़े सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, तो काफ़ी भावुक भी हो गए थे जब उनके ऊपर ये सब आरोप लगे। खैर, राजनीति में भावनाओं का कोई काम नहीं। मुद्दा ये है कि प्रक्रिया स्पष्ट है, प्रक्रिया आपके सामने रख रहा हूँ, फैसला आप करिएगा। देखिए, पीठासीन अधिकारी के समक्ष जब इस तरह के मतदान की बात आती है, जैसे लोकसभा है और वर्तमान जैसी लोकसभा है जिसमें शासक दल जो है वो प्रचंड बहुमत में है, तो वो डिवीजन वोट कराने को मांग करे तो करा सकता है, लेकिन विपक्ष भी जानता है कि वहाँ मांग करने का कोई मतलब है नहीं। भाई रातों मतलब ऐसा तो है नहीं संसद में बैठे बैठे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो जितने आए हैं जीत कर उतने ही रहेंगे। और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि सत्ता पक्ष में कोई बहुत बड़ा अंदर भूचाल आ जाए कि आधे लोग जो है वो विपक्ष के साथ मतदान कर दें, दोनों संभावनाएं नहीं है। तो ऐसे में वॉइस वोट जनरली एक्सेप्टेबल होता है, उसको विपक्ष मान लेता है। कभी कभी विपक्ष लोकसभा में भी डिवीजन की मांग करता है। पहले वॉइस वोट क्या होता है? वॉइस वोट मतलब आपने प्रक्रिया में देखा होगा, पीठासीन अधिकारी कहता है जो लोग विधेयक के पक्ष में हैं हाँ कहें तो हाँ बोलते हैं लोग, जो विधेयक के विरोध में हैं ना कहें तो ना वाले बोलते हैं। फिर वो बोल देते हैं बिरला साहब कि मेरे विचार में फैसला हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, बात खत्म। तो संख्या बल स्पष्ट है तो उस पर कोई बहुत टीका टिप्पणी नहीं होती। लेकिन कई बार लोकसभा में भी आपने देखा होगा डिवीजन होता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह जानने की कोशिश कई बार विपक्ष करता है कि भाई कौन कौन हम में से ऐसा है जो इस पक्ष पर सरकार के साथ है। कई रणनीतिक बातें होती हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है इम्पोर्टेंट, उसके व्यवहार को टटोलने के लिए कई बार मैंने देखा कि वो डिवीजन की मांग की जाती है। खैर, वो बहन जी बहुत चालाक हैं, वो अपने वो विरोध करते हुए बाहर चली जाती, उनकी पार्टी मतदान में हिस्सा नहीं लेती। वो भी एक तरह से सत्ता पक्ष को ही उसका लाभ मिलता है क्योंकि मतदान की अपेक्षा कम हो जाती है। खैर, प्रक्रिया ये है कि पीठासीन अधिकारी अगर विपक्ष डिवीजन चाहता है, खाली ये वॉइस वोट से फैसला नहीं चाहता, डिवीजन चाहता है, तो पीठासीन अधिकारी को डिवीजन कराना चाहिए। डिवीजन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, ठीक है, हर सदस्य के सामने उसको मतदान का विकल्प होता है और आपके पास पूरा आ जाता है कि भाई पक्ष में इतने, विपक्ष में इतने, इतने लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है। अब पीठासीन अधिकारी के पास भी एक अधिकार है जो हरिवंश जी ने फार्म लॉज के समय पे कहा था, अगर सदन में हंगामा हो रहा हो, सदन बहुत अस्थिर हो, सदन पर्याप्त चल ना रहा हो सही तरीके से, तो अपने विवेक से पीठासीन अधिकारी चाहे तो वो वॉइस वोट के बेसिस पर ही फैसला। इसका लॉजिक ये है कि विपक्ष अगर ये चाह रहा हो कि मतदान होने ही ना दे, मतदान नहीं होगा तो बिल पारित नहीं होगा, तो पीठासीन अधिकारी सदन चलाने की उसको सारे विशेषाधिकार हैं, वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। और यही तरीका उन्होंने, क्योंकि विपक्ष हल्ला गुल्ला कर रहा था फार्म लॉस पे, तो उन्होंने इसी आधार पर वॉइस करा दिया। कर्नाटक में ये स्थिति भी नहीं है, इसलिए कर्नाटक विधान परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर आरोप है कि सरकार बहुमत में न होते हुए भी उनके इस निर्णय के चलते कि वॉइस वोट से हम इसको कर लेते हैं, उन्होंने उसको उस सदन से पारित करवा दिया। ये बड़ी बात है क्योंकि अगर सदन में बहुमत नहीं है, अब ये कैसे पता चलेगा बहुमत है कि नहीं? वॉइस वोट तो बहुत कमजोर तरीका है ना, मैंने आपको समझाया। कि वॉइस वोट तब ठीक है जब आपको पता है कि भाई लोकसभा में सत्ता पक्ष के इतने लोग हैं कि वो आराम से इस बिल को पारित करवा देंगे, तब तो ठीक है। लेकिन जहां विपक्ष बहुमत में है वहां वॉइस वोट आप कराकर अगर उसको पारित करते हैं तो ये तो अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। तो इस पर सवाल उठेंगे, उठने भी चाहिए, और इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये तो मसला हुआ कर्नाटक का। परीक्षा में प्रश्न की दृष्टि से मैं एक प्रश्न क्रिएट कर देता हूं, आप इसको आप देख सकते हैं। हालिया समय में पीठासीन अधिकारियों के फैसलों ने क्या भारत में संसदीय विपथगमन के नए आयामों को निर्मित किया है? नए आयामों को निर्मित किया है। अब इसमें केंद्र राज्य, मैंने पीठासीन अधिकारी लिखा है इसीलिए, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप केंद्र की बात भी कर सकते हैं और कर्नाटक जैसे घटनाक्रम को भी इसमें ला सकते हैं। तो ये संसद और विधानमंडलों दोनों के पीठासीन अधिकारियों की बात आप इसमें देख सकते हैं। विपथगमन शब्द पता है ना, डिविएशन, जो संवैधानिक सोच है उससे कहीं हट जाना, उससे इतर, उससे पृथक अपना कोई विचार पर आना, ठीक है। इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम आगे इस विषय में बढ़ते हैं, ठीक है। राज्यसभा का मैंने चर्चा करी दी, ये सारा क्या मामला था इसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए दूसरे पक्ष पर आते हैं। ये जो मनी बिल वाला जो मसला है, ये आपको बात क्लियर होगी कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की बहुत ही, इससे पहले मैं एक आध चीजें इसमें और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो हमें ये भी सोच में, अपने संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ते समय ये भी अपनी सोच में रखना चाहिए कि क्या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जो हमारी संवैधानिक प्रणाली जो हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्मित की, इसमें क्या राज्यसभा लोकसभा की तुलना में क्या एक अधीनस्थ सदन है, क्या इंफीरियर हाउस है? मैं आपके विचार भी इस विषय पर कुछ जानना चाहूँगा, कम से कम कुछ सकारात्मक चलिए। जयदेव जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में विरासत नाम का एक अभियान इसी संदर्भ में चलाया जा रहा है, लैंड टाइटलिंग को लेकर। सब राज्यों को इस संदर्भ में अपना काम करना चाहिए। चलिए, आपस में अकादमिक लड़ाई आप लोगों की चल रही है, देख के बड़ा सुखद लग रहा है ना। अवनीश और युवराज अपना, ये प्रक्रिया होनी चाहिए, ये तरीका है, ठीक है, जो लक्ष्य है उसके हिसाब से। चलिए मैं, अच्छा, नितेश ने, राजा कुमार ने उत्तर दिया है। ओम प्रकाश मिश्रा कह रहे हैं कुछ मामलों में ऐसा है। मेरे सवाल को आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने ये पूछा, क्या भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के सापेक्ष राज्यसभा एक अधीनस्थ सदन है, एक सबॉर्डिनेट हाउस है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताइए। नहीं है। अमन नहीं कह रहे हैं, कुमाल राहुल कह रहे हैं बिल्कुल है, अधीनस्थ है। अजीत कुछ आर्टिकल 312 249 का, मैं यही जानना चाह रहा था, यही आप कंफ्यूज होते हैं। देखिए, कुछ मामलों में लोकसभा की कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो राज्यसभा के पास नहीं है, जैसे पूरी संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था इस बात पर ही टिकी है ना कि जो कार्यपालिका होगी, सरकार होगी, उसको बहुमत कहाँ पर रखना है और सदैव रखना है, लोकसभा में, निचले सदन में। तो एक तरह से, और सरकार का निर्माण करने में लोकसभा का ही योगदान है, लोकसभा में आपको बहुमत चाहिए। अब अगर इस परिदृश्य को देखें तो कुछ लोग ये बोलें कि भाई लोकसभा निश्चित तौर पर, ये तो सरकार को एक तरह से सरकार का गर्भगृह है, सरकार का गर्भगृह है। हाँ, तो उस दृष्टि से देखें, या जैसे राजमन या किसी ने लिखा था कि आर्टिकल 249 312 अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, ये सब चीज़ें देखें तो राज्यसभा जो काम करती है लोकसभा नहीं कर सकती, उसके पास नहीं है। ये कोई किसी का, किसी के ऊपर किसी को नहीं बिठाया गया। पूरे संविधान की मूल आत्मा को देखेंगे तो जहाँ जहाँ प्रश्न उठते हैं, प्रश्न कहाँ कहाँ उठते हैं, प्रश्न उठते हैं कि भाई क्या मूल अधिकार निदेशक सिद्धांतों के सापेक्ष में ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा उनकी श्रेणी ऊपर है, निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के अनुरूप ही संचालित किया जाना चाहिए। कितनी बड़ी लड़ाई इस पर चली है, चंपक दोराई राजन से लेकर मिनर्वा मिल्स तक, उसके बाद तक ये सवाल आते हैं। लेकिन आपको उत्तर क्या मिला कि मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांतों में लड़ाई नहीं है, ये दोनों पूरक हैं। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनाइजेशन की थ्योरी आपको सुप्रीम कोर्ट ने दी। इसी तरह एक डिबेट चलती है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या कुछ श्रेणीबद्धता है, लोकसभा ऊपर राज्यसभा नीचे, इस तरह की लड़ाई भी क्रिएट की जाती। फिर एक लड़ाई प्रधानमंत्री बनाम मंत्रिपरिषद का संदर्भ भी है कि थ्योरेटिकली कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अ कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन बाकी कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर तय करता है। तो प्राइमस इंटर पेरेज, समानों में प्रथम की संकल्पना, ये सारे हायरार्कियल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं, इन पे बहुत प्रश्न आते हैं और इनको आपको गंभीरता से करना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे राज्यसभा की। तो राज्यसभा की विशेष, और देखिए राज्यसभा को भी दो भागों में बांटकर हमें देखना होगा। एक वो राज्यसभा जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, उनके सामने था ब्रिटिश मॉडल, और वो भाई बहुत दूरदृष्टा लोग थे, वो ऐसा संविधान दिया कि आज की भी हमारी 100 से कुछ ऊपर संशोधन हुए हैं, लेकिन वही संविधान अपनी पूरी प्राण तत्व में अभी भी इस देश की राज्य व्यवस्था की जरूरतों को पूरी तरह अनुकूलित करने में सक्षम है। हमें लगता है कि अरे उस समय पे, जैसे केंद्र राज्य नदी जल विवाद, अब आज जो चीज दिख रही है वो सोचिए उस समय वो लोग वो समझ पाए और उसके अनुरूप उन्होंने ओवरऑल संविधान में व्यवस्था निर्मित की। तो बहुत युगांतरकारी, बहुत ही सोच समझ के बड़ा ठोस एक संविधान है। और राज्यसभा का जब मसला आता है तो हमको ये दिखेगा कि राजनीति में इतनी विपथगमन हो गया, इतनी कमजोरी आ गई कि वो बेचारे बड़े पवित्र लोग थे, बहुत, मतलब कहते हैं ना कि नेता शब्द आज अपने आप में गाली बन गया, पर वो लोग जो नेता थे वो अलग स्तर था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये राज्यसभा कभी ऐसी होगी कि यहाँ पे बाहुबली, यहाँ पे बड़े बड़े धनाढ्य लोग, यहाँ पे सरकार के लिए दलाली करने वाले। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मतलब राज्यसभा में बहुत गुणी लोग भी आते हैं, है ना, पर ये भी एक सच है कि राज्यसभा अपनी भूमिका का, अपने संगठन में अपनी आत्मा को उस तरह से नहीं निर्मित कर पाई जैसा शायद संविधान में अपेक्षा थी। सबसे बड़ी बात, तकनीकी बातें, गुणवत्ता की बात छोड़ देते हैं। अगर तकनीकी मसलों की बात करें तो राज्यसभा राज्यों का सदन कहा गया। राज्यों का सदन मतलब राज्य से कुछ प्रखर ऐसे लोग जो सीधे दैनंदिन की राजनीति की जो एक तरह से जद्दोजहद है उसमें ना पढ़कर कुछ अलग स्तर के लोग हों जिनको केंद्र में उन राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर रखा जाए। वो अपने राज्य के हितों की बात इस केंद्रीय विधायन संस्था में करें, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान राज्यों को, चाहे वो अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो, ठीक है, या कई महत्वपूर्ण मसले हैं उसमें राज्यों की भूमिका ना के बराबर है। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका अनटिल अनलेस वो कोई जीएसटी जैसा बड़ा मुद्दा हो जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करे तो बहुत नगण्य भूमिका है ना। तो ऐसे में राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर एक अपना प्रत्यक्ष रोल प्ले कर सकती थी, ये एक उद्देश्य था। पर अब क्या होता है, कोई राज्यसभा में किसी भी राज्य से आ रहा है, उस राज्य का निवासी भी ना हो, अक्सर ऐसा देखा जाता है। एक नेता है, उसको राज्यसभा में लाना है, सरकार देखती है या कोई भी पार्टी देखती है वहां पे मेरी सीट खाली हो रही है, चलो भाई इनको यहाँ से ले। हमारे मनमोहन सिंह साहब असम से राज्यसभा में आते थे। हाँ, अब तकनीकी वो था, असम में किराए का घर ले लिया, रेंट एग्रीमेंट बन गया, नॉमिनेशन हो गया, पर मनमोहन सिंह असम राज्य के तो नहीं है। असम राज्य की अपेक्षाएं, असम राज्य की चुनौतियां, इसी तरह बहुत सारे नेता हैं कहीं से भी किसी भी राज्य से आते हैं, सत्ताधारी दल में हो विपक्ष में। ये उस स्पिरिट को खत्म करता है जो राज्यसभा के गठन के लिए उत्तरदायी थी, ठीक है। तो गुणवत्ता, अनिवार्यता, सारी चीजें खत्म कर दी गई। ये इसलिए बताया मैंने कि जब हम राज्यसभा की आज प्रासंगिकता पर चर्चा करना चाहें तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि आज क्या राज्यसभा अपनी संगठन, अपनी संरचना, इन सब चीज़ों में वैसी राज्यसभा है जैसी संविधान ने अपेक्षा की थी। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज़ को अनदेखा कर दें और दूसरी पर आप अपनी टिप्पणी दें, ठीक, ये बात। अब इस विषय पर आइए दोबारा। आर्टिकल में उस अभी हमने एक विपदगमन क्या देखा कि पीठासीन अधिकारी मतदान की प्रक्रिया को अपनी इच्छानुसार सरकार के साथ उसके हित में उपयोग करने के लिए कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे। अब दूसरा ये आरोप लगाते हैं कि जिस तरह आधार बिल को धन विधेयक के तौर पर प्रस्तुत करके, और उस समय में अरुण जेटली साहब थे जो उसको डिफेंड करते थे, तो उनकी वाक चातुर्य के सामने बड़े बड़े लोगों की चलती भी नहीं थी। इसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया कि आधार धन विधेयक कैसे हो सकता है। अच्छा, सरकार धन विधेयक के तौर पर क्यों आधार को प्रस्तुत करना चाह रही है? इसलिए कि धन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की ताकत एकदम लगभग नगण्य है। वो सिर्फ 14 दिन तक विलंबित कर सकती है, रोक सकती है किसी धन विधेयक को। 14 दिन रोकने के अलावा उसके पास और कोई ताकत नहीं है। ओवरऑल इस बात को देखते हुए सत्ताधारी दल को लगता है कि अगर हम किसी विधेयक को पास ही कराना है और राज्यसभा में हमको लगता है संख्या मेरे साथ नहीं होगी, तो वो उसको धन विधेयक बनाकर, अब धन विधेयक है या नहीं इसमें लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम फैसला होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष क्या निरंकुश है क्या, जैसा कि एक प्रश्न में देख रहा था आर्टिकल में चल रहा था, बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 110 संविधान में पूरी तरह परिभाषित करता है कि भाई धन विधेयक में ये लक्षण होंगे, ठीक है। प्रमुखतः एक बात आती है कि संचित निधि पर कोई भार आरोपित करना हो या संचित निधि से पैसा निकालना हो, इस सारे प्रसंग को धन विधेयक के तौर पर देखा जाता है। सरकार ने यह तर्क लिया कि आधार के लिए जो पूरा एक वित्तीय उसका संरचनागत मॉडल है उसमें संचित निधि पर धन भारित होगा, इसलिए हम इसको धन विधेयक कह रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 110 में एक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस विधेयक में एक्सक्लूसिवली, एकांतिक तौर पर वही मुद्दे होने चाहिए जो इस आर्टिकल में लिखे हुए, उसके अलावा कोई प्रसंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्राइमरली जो इश्यूज हों वो वही हों। अब इस पूरी बात को कि क्या आधार धन विधेयक की श्रेणी में आता है, इसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा विरोधियों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये धन विधेयक की परिभाषा जो संविधान देता है उसमें ये आता है, और मामला वहां पर एक तरह से खत्म हो गया। पर खत्म होकर भी हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक जो जज संविधान पीठ में था जिसने विरोध में मत दिया, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि आधार धन विधेयक है, और उन्होंने अपने अलग फैसले में लिखा। इसको कहते हैं डिसेंटिंग जजमेंट, डिसेंट कर गए वो। जैसे ईडीएम जबलपुर केस बड़ा चर्चित है, अगर आपने पढ़ा हो तो डिसेंट करने वाले जज ने क्या लिखा, उसने लिखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड हुआ है और आगे निश्चित तौर पर इस पर रिग्रेट किया जाएगा इस फैसले पर। खैर बाद में क्या हुआ, बाद में एक और कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच थी जो ऐसे ही मामले को सुन रही थी, उसने कहा कि हमें लगता नहीं है कि ये जो फैसला हुआ है कि आधार धन विधेयक है, हमें इसको दोबारा इस पर विचार करना चाहिए। और एक और बड़ी संविधान पीठ बनी पिछली बार से, और ये अभी इस मामले को सुन रही है। तो अभी भी ये मामला है, लेकिन जब तक पलटा नहीं जाता बड़ी बेंच द्वारा तब तक पुराना निर्णय जिंदा है। आधार एक धन विधेयक के तौर पर पारित हुआ और उसकी अभी संवैधानिक मान्यता जिंदा है। मूल मुद्दा, सरकारें ऊपरी सदन को विधायन प्रक्रिया में बाईपास करने के लिए धन विधेयक की जो रूपरेखा है उसका भी दुरुपयोग करती रही है। अब फिर इसके बाद लेख आ जाता है राज्यसभा के रोल पर कि क्या राज्यसभा का कोई सार्थक रोल हो सकता है। इस पर मैंने भी बहुत विस्तार से आपसे बात कर ली है, बस इतना समझिए, दो उदाहरण इसमें दिए गए हैं। देखिए, राज्यसभा को अगर हम ऐसे देखें कि ये कानून बनने की राह में रोड़ा है, अगर सरकार एक सामान्य विधेयक को धन विधेयक का टैग लगवाकर राज्यसभा से बाईपास करके उसको कानून बनाना चाहती है, तो सरकार क्या सोच रही है? सरकार यही सोच रही है कि राज्यसभा एक तरह से हमारी राह में रोड़ा है। मैंने कई बार आपसे चर्चा करी कि सरकार लोगों के मतदान से, लोगों के विश्वास से बनी है, और सरकार जो भी काम करना चाहती है उसको कानून तो बनाना पड़ेगा। कानून ज़रूरी नहीं है कि सरकार जो बनाना चाहे वो सब ठीक हो। विपक्ष की, संसद की इसीलिए भूमिका है, प्रेस की, मीडिया की, हम सब की इसी में भूमिका है। जो भी गलत है उसको आवाज़ उठाई जानी चाहिए। लेकिन अगर प्रक्रिया इस तरह हो जाए कि हम सरकार को कुछ करने ही ना दें, तो फिर सरकार भी कहीं ना कहीं विचलित होकर कि भाई हमको तो कदम कदम पर सिर्फ, राज्यसभा अपनी विशेषज्ञता के साथ कृषि कानूनों की एक एक परत को उधेड़ती, चिंदी चिंदी जिसको करते हैं निकाल के, ये गलत है, ये गलत है। आप ईमानदारी से बताइए ऐसा किया हमारे विपक्ष ने? प्रिजम्पटिव हर चीज है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। अरे भाई, वो सदन में जब कह रहा है प्रधानमंत्री एमएसपी था, है, रहेगा, लेकिन खत्म हो जाएगा। अब इसका तो आशंका किसी के दिमाग में हो, मैं कहूं कि भाई दुनिया ही खत्म हो जाएगी 5 साल में, तो खगोल वैज्ञानिक कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं साहब, मुझे लग रहा है दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मुझे पागल ही कहेगी दुनिया, आप तो खगोल वैज्ञानिक की बात मानेंगे ना। तो राज्यसभा का आचरण भी ऐसा होना चाहिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आचरण चाहे जैसा हो विपक्ष का, सरकार को कानून बनाने की प्रक्रिया में जो मर्यादाएं हैं, जो संवैधानिक मापदंड हैं, उनको हर हाल में पूरा करना चाहिए। लेकिन राज्यसभा में दलगत बातों के साथ साथ राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर राष्ट्रीय संचेतना के साथ बहस हो, गंभीर बहस हो, और उसको अगर हम आगे बढ़ा सकें तभी हम कह सकते हैं कि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। फिर सरकार में भी नैतिक बल नहीं होगा कि वो राज्यसभा का इस तरह से अवमानना करे। आज क्यों नहीं इस चीज़ को इस तरह से देखा जा रहा है? इसीलिए क्योंकि राज्यसभा भी सिर्फ हस्तक्षेपकारी, गतिरोधकारी भूमिका कहीं निभाती हुई दिख रही है। ये ओवरऑल बात है। देखिए, दो उदाहरण इसमें दिए गए। लेखक ये मानता है कि संभव है कि राज्यसभा विधि निर्माण की राह में बाधा बन जाए। जैसे इमरजेंसी के प्रसंग में ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, ठीक है। एक बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही मजबूत, कठोर, निरंकुश, जो भी बोलिए, वैसी सरकार थी उस समय। उसने ये संविधान करके संविधान के पूरे ताने बाने को बदल दिया, ठीक है। इसी अमेंडमेंट में आप जानते हैं कि पंथ निरपेक्षता ये शब्द भी आपकी प्रस्तावना में आ गया। पर जब अगली जनता पार्टी की सरकार आई और उसने कोशिश करी कि मैं उन गलतियों को, उनके हिसाब से गलती, उन गलतियों को मैं बदल सकूं, तो क्या वो सारी चीज़ों को बदल पाए? नहीं बदल पाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस राज्यसभा में मजबूत बनी हुई थी, लोकसभा में जनता ने उनको बाहर कर दिया, जनता पार्टी आ गई। लेकिन राज्यसभा चूंकि एकदम से बदलता नहीं है इसका नेचर, है ना, ग्रेजुअली 2-2 साल पे चेंजेस होते हैं, तो लोकसभा के विपरीत राज्यसभा में कांग्रेस ने अपने बहुमत के, कांग्रेस और उसके जो समर्थक थे, तो सारी चीज़ें बदल नहीं पाई। लेकिन क्या इसको माने कि राज्यसभा इससे अनुपयोगी हो गई? इसी प्रकार राजीव गांधी साहब की सरकार 64वें संविधान संशोधन प्रस्ताव को लेकर पंचायती राज, ठीक है, उस समय राज्यसभा में हार गई। पहली बार में तो हार गए थे ना, फिर 73वें 74वें में इसको किया। तो बेसिकली राज्यसभा कई बार आपके अनुसार नहीं होता, उसका संगठन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा को हम लांघ जाएं, उसको निष्प्रभावी कर दें और उन जुगाड़ों को देखें जिसकी वजह से हम कानून बना सकते हैं। अध्यादेश भी इसीलिए एक प्रभाव है ना, कि आपके पास राज्यसभा में बाधा अगर हो तो अध्यादेश जारी कर दें। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसको हमें यहाँ पर देखना चाहिए। ये भी बात थी, इसको भी समझिएगा। अंतिम बात, 2 सदनीय जो विधानमंडल हैं, बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर होते हैं, इनका क्या मूल्य है, इनको क्यों महत्वपूर्ण माना जाए, इसको भी अभी राज्यसभा की प्रासंगिकता में ये बात आई गई। लेकिन यहाँ इस बात को समझिएगा कि जब भी इस तरह से 2 सदनीय विधानमंडल बनता है, जब एक सदन की प्रक्रिया निर्वाचन की और दूसरे सदन की निर्वाचन प्रक्रिया जब अलग अलग होती है, जैसे लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन है, सीधा फर्स्ट पास द पोस्ट, है ना, लेकिन राज्यसभा में ये प्रक्रिया नहीं है। राज्यसभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर अप्रत्यक्ष विधानसभाओं के थ्रू यहाँ चुनकर आते हैं। तो एक तो निर्वाचन की प्रक्रिया बदल गई, है ना, दूसरा टाइमिंग भी बदल जाए। लोकसभा का अगर 2019 में चुनाव हुआ तो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा भी 2019 में पूरी संगठित हुई, टाइमिंग अलग है। अगर ये दोनों लक्षण आपके बाई कैमरल सिस्टम में हो तो इससे क्या होता है, इससे एक संतुलन बना रहता है। इस पक्ष को समझिएगा, ये राज्यसभा की उपयोगिता का बहुत बड़ा पक्ष भी है। संतुलन ऐसे बना रहता है कि मान लीजिए किसी भी विषय पर कभी बड़ा भावनात्मक कोई देश में ज्वार आ गया, कोई ऐसा मुद्दा, कोई भी हो सकता है, देश ने देखे हैं, मान लीजिए भ्रष्टाचारी मुद्दा, या मान लीजिए राजीव गांधी की जो सरकार थी, इंदिरा जी की मौत हुई थी और एक बड़ा भावनात्मक पूरे देश में लहर थी, तो राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला, ठीक है। इसी तरह कोई और मुद्दा भी हो सकता है, कोई धार्मिक, जातिगत, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी या कुछ गठबंधन, उसको प्रचंड बहुमत मिल जाए और उस प्रचंड बहुमत की आड़ में वो एक एजेंडे के साथ कि देश के संविधान में अब मेरा बहुमत है तो मैं ये सब बदल दूं, पूरे देश की राज्य व्यवस्था को कहीं छिन्न भिन्न करने लगे। तो राज्यसभा चूंकि इस समय के साथ राज्यसभा नहीं बनी है, यहाँ तो ज्वार, आंधी, तूफान वाले लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर पुराने लोग हैं जो स्थिर हैं। तो ऐसे में इनके कामों का प्रति संतुलन अगर ये काम ये लोग करें तो कभी देश में गलत विधायन नहीं हो सकते, कुछ ऐसी आपद स्थिति नहीं आ सकती जो कहीं ना कहीं चिंता निर्मित करे। ये जो बैलेंसिंग रोल है राज्यसभा का, ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसी दृष्टि से हम बाई कैमरलिज्म को एक अच्छा विकल्प मानते हैं, ठीक। तो इसमें गुणी लोग और ये सब तो आप पढ़ते ही हैं, पर टाइमिंग और इलेक्शन की प्रोसेस अगर अलग हो तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर अपनी एक ब्रॉड बेस्ड एक आर्टिकल्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें थी इसमें, इसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक और लेख जल्दी से मैं कर लेता हूं इसको। ऑनलाइन लर्निंग को लेकर आज हिंदू में जो ये लेख था, हालांकि ये थोड़ा सा डिसेप्टिव है आर्टिकल, डिसेप्टिव एज इन आपको लगेगा कि ऑनलाइन अच्छा है बुरा है, इसकी इसमें ओवरऑल कहीं चर्चा होगी, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़े विषय को एड्रेस करता है जो अभी इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, कोविड ने जो किया सो किया, अब कोविड के बाद जब स्कूल, और ये हायर एजुकेशन पर फोकस नहीं है, ये बेसिकली जो स्कूल लेवल पर जो बुनियादी प्राथमिक शिक्षा है उस पर केंद्रित लेख है प्रमुखता, हायर लेवल भी हैं। अब कोविड के बाद जब ये खुल रहे हैं सब स्कूल वगैरह, तो इसमें एक बड़ी चिंता ये उभरी है कि ऑनलाइन ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी खाई को पैदा कर दिया। देखिए, आंकड़ों के दृष्टि से बात करते हैं जल्दी जल्दी। 300 मिलियन बच्चे विभिन्न आयु वर्ग में, ये माना गया कि ये स्कूल से बाहर हो गए हैं भारत में। ठीक है, जब तक ये स्कूल्स क्लोज थे, अभी क्लोज ही हैं, काफ़ी कुछ जगहों पर खुल गए हैं। 300 मिलियन बच्चे अलग अलग आयु वर्ग में। अब इनमें भी जो हैव नॉट्स हैं, यानी जो वंचित विपन्न वर्ग के बच्चे हैं, उनका, उनके परिवार का पूरा स्वरूप देखते हुए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इनमें से कितने लोग वापस जब स्कूल परंपरागत खुलेंगे तो उसमें वो वापस ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक संरचनाएं कमज़ोर हो गई। और बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि बाकी लोग आगे बढ़ गए, ये लोग वहीं पर खड़े रह गए, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें थीं। तो अब विशेष प्रयत्नों से इनको, क्योंकि बड़ी जद्दोजहद से स्कूल का एनरोलमेंट बढ़ाया गया था, और अब जो कोरोना ने कर दिया, एक इनर्शिया ना आ जाए, हमें ओवरऑल कहीं ना कहीं उस चीज़ को बदलना होगा। और इस वजह से हमें ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस जो रहा, इसमें हमने जो सीखा, जो स्कूल के स्तर पर जो एक डिवाइड हमको दिखा, हमें उस पर अब अटैक करने की ज़रूरत है। जैसे कोरोना से हम लड़े, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ये जो डिवाइड था ये आगे ना बढ़ जाए, इसको हमें लड़ना इससे भी होगा। ठीक है, सरकार ने बहुत सारे प्रयत्न करे, इसमें कोई शक नहीं है, प्रयत्नों का यहाँ पर सब उल्लेख किया हुआ है। ये सारे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दीक्षा पोर्टल, ठीक है, इसमें ई लर्निंग कंटेंट, इसको पाठ्यक्रम के हिसाब से डाला गया। ई पाठशाला, एक ऐप है एनसीईआरटी ने बनाया, कक्षा 1 से 12 तक अलग अलग भाषाओं में कोशिश की गई कि जो लोग नहीं कनेक्ट हो सकते उनको भी हम अपनी उनकी भाषा में हम शिक्षा दे सकें। स्वयं, इसमें करीब 1900 कंप्लीट कोर्सेज हैं, जिसमें टीचिंग वीडियोस हैं, कंप्यूटर असाइनमेंट्स, वीकली एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं, और इसको भी स्कूल लेवल पर और उच्च शिक्षा के लिए भी संचालित किया गया। स्वयं प्रभा, ये 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स हैं जो अलग अलग लेवल पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डीडी वाले उसमें, डीडी डायरेक्ट में आता है। तो कोशिश करी सरकार ने कि इतने कम समय में कोविड से लड़ते हुए भी हम ये जो शैक्षणिक जो एक अंतराल आ गया थोड़ा संपन्न और विपन्न वर्गों में, उसको हम भर सकें। लेकिन ये भी बात क्लियर है कि हम जो शिक्षा के क्षेत्र में, डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर से स्पेशियल, डिजिटल, जेंडर और क्लास, इसमें जो अंतर है, जो अंतराल है, जो गैप है, उसको हमें बहुत अलग दृष्टि से देखना होगा। और जो अब प्रयत्न सरकारों के हों वो इस अंतराल को भरने पर केंद्रित हों। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट ओवरऑल इस बात को दिखाती भी है कि टेक्नोलॉजी के लेवल पर बहुत बड़े अंतराल रहे हैं जिन्हें सरकारों को भरना होगा, अदरवाइज हम कहीं पहले से पिछड़ जाएंगे। अब देखिए, इम्पैक्ट की बात, ऑनलाइन एजुकेशन ने ठीक है गैप को भरा, जो भी एकदम रिक्तता आती, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो ऑफलाइन या जो नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन है वो कई स्तरों पर काम करती है। जैसे हमारा मिड डे मील भी चलता है, हमारे पोषण अभियान भी चलते हैं, हमारे और बाकी बेसिक मेडिकेशन के डीवर्मिंग वाले ये सब दवाइयाँ देना, तो कई लेवल पर जो काम होते हैं हम उससे विमेन फीमेल एम्पावरमेंट भी करते हैं, बच्चियों को उसमें जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर, ठीक है, इस सारी चीज़ें मिलाकर जो कंबाइंड पैकेज है वो पैकेज अब राज्य को, सरकारों को तुरंत इसको देना होगा। तो ये एक चुनौती एजुकेशन में कोरोना के बाद आएगी, इसको भी हमें टारगेट करना चाहिए। इस दृष्टिकोण पर ये पूरा लेख कहीं केंद्रित आपको दिखता है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन क्लासेस, इनकी तुलना नहीं हो सकती वास्तविक जो क्लासरूम एजुकेशन है उसका। कारण मैंने आपको बताया कि वर्गगत, लैंगिक बहुत स्तरों पर अंतराल है और ये सिर्फ एक सीमित वर्ग है जो इसका लाभ उठा सकता है। अगर शैक्षणिक दृष्टि से भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी है तो हमें अभी भी एक्चुअल क्लासरूम एजुकेशन को हमें एम्पावर करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। आपकी नई शिक्षा नीति 2020, इसमें भी जो लक्ष्य हैं जिस तरह के एनरोलमेंट के और बाकी शैक्षणिक आयामों के, उसके लिए भी हमें इन चीज़ों पर बल देना होगा। तो ये पूरा इस लेख का सार था और इसको आप इस संदर्भ में देख सकते हैं। चलिए, आज समय ज़्यादा मैंने आपका ले लिया, बने रहे मेरे साथ, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।